हेलो एवरीवन, माय नेम इज संकल्प एंड यू वाचिंग चेजिंग वेयरअबाउट्स। इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं इंस्टा 1X2। तो मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोल किया था जिस पे मैंने पूछा था, डू यू वांट टू सी एन अनबॉक्सिंग वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर कैमरा और नॉट। जैसा कि आप लोगों ने उस पे खूब सारे वोट्स दिए थे कि येस यू वॉन्ट टू सी इट, सो हियर इज द वीडियो। तो अब ये कैमरा स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये 360 डिग्री कैमरा है जो कि आपको सारे एंगल से रिकॉर्ड कर सकता है एक टाइम पे। इस वीडियो का प्लान ये है कि हम पहले स्टार्ट करेंगे इंट्रो अबाउट दिस पर्टिकुलर कैमरा, देन हम बात करेंगे प्राइस की, जो कि इंडिया से मैं कंपेयर करूंगा जर्मनी का प्राइस, देन हम इसको अनबॉक्स करेंगे इस कैमरा को और इसकी सारी एक्सेसरीज को, फिर हम डिस्कस करेंगे इसके फीचर्स क्विकली, एंड उसके बाद आई विल शो यू सम सैम्पल फुटेज जो कि मैंने इस कैमरे से रिकॉर्ड की है, एंड देन द कंक्लूडिंग नोट वेदर इट इज वर्थ टू बाई दिस पर्टिकुलर कैमरा और नॉट। सो स्टे ट्यून्ड। सो अगर आपके पास टाइम कम है और आप इस वीडियो का कोई स्पेसिफिक पार्ट देखना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प डाल दिए हैं, सो यू कैन जम्प एंड वॉच, बट आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप पूरी वीडियो देखोगे, इट विल हेल्प मी आउट। सो एक्साइटेड टू बाई दिस पर्टिकुलर कैमरा कि मैं बहुत दिनों से रिसर्च कर रहा था कि मैं कौन सा लूँ, एंड अल्टीमेटली मैंने एंड में जो कंक्लूडिंग नोट था मेरा था कि कंपेरिजन इन बिटवीन इंस्टा 360 1X2 एंड GoPro Max, फाइनली मैंने 1X2 चूज किया, एंड आगे वीडियो देखते जाओ तो आपको पता चलेगा क्यों। सो हियर आर द थिंग्स जो मैंने खरीद रखा है इसके साथ साथ। लेंस कैप लिया है कैमरे के लिए बिकॉज इसके लेंस जो है वो बम्प की तरह बाहर निकले रहते हैं, तो वो ले रख। दिस इज द बुलेट टाइम हैंडल फॉर दिस पर्टिकुलर कैमरा। बेसिकली क्या होता है, इसके में अंदर सेल्फी स्टिक है और एक हैंडल है जिससे आप इस कैमरा को आप हाथ ऊपर करके 360 रोटेट कर सकते हो, तो आपके आसपास के सराउंडिंग की सारी वीडियो कैप्चर हो जाती है आपको लेते हुए। आपको इसके बारे में ज़्यादा पता चलेगा जब मैं सैम्पल फुटेज में एक वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा आपको। और सैंडिस का मैंने मेमोरी कार्ड लिया 64GB का, जो कि है एक्सट्रीम कार्ड, क्योंकि ये एक्शन कैमरा है तो आपको स्पीड तेज चाहिए रहेगी। सो अब बात करते हैं प्राइस की इस पर्टिकुलर कैमरा की। तो इंस्टा 360 अगर आप इंडिया में खरीदोगे तो वो पड़ेगा 42K का, लेकिन मुझे यहाँ पे ये 467 यूरो का पड़ा है, जो कि अगर मैं कन्वर्ट करूँ इंडिया के प्राइस में तो वो है 41.5K, बस 500 का डिफरेंस है। और अगर मैं बुलेट टाइम हैंडल की बात करूँ तो वो इंडिया में है 5.3K का, और यहाँ पे पड़ा मुझे वो रफली अराउंड 43 यूरो का, जो कि है 3.8K रुपीज़। और लेंस कैप मुझे इंडिया में मिला ही नहीं, तो यहाँ पे वो 6 यूरो का पड़ा है, जो कि है रफली अराउंड 530 INR। एंड अगर मैं मेमोरी कार्ड की बात करूँ तो इंडिया में वो सस्ता है, वो पड़ता है 1000 रुपये का, और यहाँ पे मुझे पड़ा 1155 का। ओके, क्विक थिंग, एक चीज़ जो मैंने नहीं खरीदी या फिर मैंने डिस्कस नहीं की उसके प्राइस के बारे में, वो था कि बुलेट टाइम कॉर्ड। सो बेसिकली जो बुलेट टाइम रिकॉर्डिंग होती है वो तो या तो सेल्फी स्टिक से ले सकते हो, जो मैंने ले रखा है, या फिर आप बुलेट टाइम कॉर्ड ले सकते हो जो कि 1X2 के साथ ही लॉन्च हुआ था। तो वो बेसिकली एक छोटा सा डिवाइस है जो कि रिट्रैक्टेबल वायर के साथ है, तो आप उसको लेके भी घुमा के शूट कर सकते हो 360 डिग्री वीडियो। हावेवर जब मैंने उसकी कंपैरिजन देखी बुलेट टाइम सेल्फी स्टिक्स वर्सेस बुलेट टाइम कॉर्ड, तो मेरे को बुलेट टाइम कॉर्ड की वीडियो उतनी ज़्यादा मज़ेदार नहीं लगी, इसलिए मैंने उसको नहीं खरीदा था। हावेवर उसका कॉस्ट जो जर्मनी में 25 यूरो था, इंडिया में वो amazon.in पे लिस्टेड नहीं है, तो मैं देख नहीं पाया उसका प्राइस कितना। अगर आपको ये कैमरे की प्राइस इंडिया वाली देखनी है फ्रेश, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेजोन की लिंक डाल रखी है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। और अगर आप चूज़ करते हो उससे बाई करने के लिए तो मेरे को थोड़ा सा कमीशन मिलेगा, हावेवर आपको कुछ ज़्यादा पे नहीं करना पड़ेगा, बट आई विल गेट समथिंग आउट ऑफ इट, वो आपकी तरफ से मेरे को सपोर्ट होगा, तो कर देना अगर आप चेक करना चाहो तो। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं इस कैमरा को अनबॉक्स करते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या है इसके बॉक्स में, क्या क्या है, एक्सेसरीज जो ली है वो दिखने में कैसी है वो देखते हैं, देन उसके बाद हम देखेंगे सैम्पल फुटेज। सो स्टे ट्यून्ड। सो मैंने प्राइस ऑलरेडी सबका बता दिया था आपको, तो आई डोंट थिंक मेरे को SD कार्ड अनबॉक्स करने की ज़रूरत है, तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ। सो विल स्टार्ट विद द कैमरा, देन हम देखेंगे लेंस कैप और बुलेट टाइम है। विल स्टार्ट विद द कैमरा फर्स्ट। मैं इस मोमेंट का कितने दो दिन से वेट कर रहा था। सो अगर आप बॉक्स देखोगे तो बॉक्स के बाहर वो सारी फीचर्स मेंशन्ड हैं जो मैं कवर करूंगा अभी थोड़ी देर बाद इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो ओके, बॉक्स की एक्सेसरीज क्या है? कैमरा है, प्रोटेक्टिव पाउच है, बैटरी है, चार्ज केबल, वारंटी कार्ड एंड क्विक स्टार्ट गाइड। सो लेट्स स्टार्ट।
टाटा। सो दिस इज द कैमरा वर्थ ऑफ 42K, दिस स्मॉल पीस। पकड़ने में पूछोगे तो ये बहुत ही स्टर्डी लग रहा है। एंड जितना मैंने ऑनलाइन पढ़ा था कि जो कैमरा बम्प है वो थोड़ा सा बाहर निकला रहेगा, तो वो निकला हुआ है ऑब्वियसली। ये रही इसकी बैटरी, जो कि ऐसे क्लिप होके अंदर जाती है। सो ये रहा, ये है सी टाइप पोर्ट इसको चार्ज करने के लिए। इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और एक्सेसरी पाउच देखते हैं इसका। एंड आई डोंट थिंक इसमें कुछ है। तो ये है जो पाउच मिला है इसके साथ कैमरा रखने के लिए। ऐसा सा लग रहा है। आई थिंक लेंस कैप की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये पाउच है आपके पास। तो अगर आप इंडिया में खरीदे तो इतना इश्यू नहीं है। मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे ये नहीं पता था कि इसके अंदर पाउच भी मिलता है। और ये यूएसबी टेस्ट सी टाइप केबल चार्ज करने के लिए, एंड दैट्स इट। तो डब्बे में कुछ मैनुअल है, क्विक स्टार्ट गाइड, वारंटी कार्ड, एंड ये है वाटरप्रूफिंग की मैनुअल, जो उसके साथ एक कपड़ा मिला है जो आपको लेंस साफ करने के लिए है, और इंस्टा 360 का स्टिकर मिला है दो, विच आई डोंट नो आप क्या करोगे इसका। ये थी एक्सेसरीज सारी कैमरे की। अब कैमरा ऑन करके देख लेते हैं। देयर यू गो, बोला एसडी कार्ड इसमें अभी नहीं पड़ा हुआ है, तो एसडी कार्ड लगाना है। और ये सर्कुलर डिस्प्ले है इस पे। ये नीचे का नॉब है जिस पे आप सेल्फी स्टिक लगाओगे। प्लीज इंस्टॉल इंस्टा 360 ऐप एंड एक्टिवेट इट। ओके, इसको एक्टिवेट करना है। थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। लेंस कैप ओपन करते हैं। मैंने इसको ऑलरेडी ओपन कर रखा था, तो इसमें कुछ ऐसा सरप्राइजिंग नहीं है। ये रहा लेंस कैप, जो कि रबर का है और ऐसे बैठ जाएगा ऊपर कैमरे पे। सो लेट्स गो अहेड एंड अनबॉक्स द इंस्टा 360 बुलेट टाइम हैंडल, या फिर बुलेट टाइम बंडल पैक जो आप बोल सकते हो उसको। सो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि हैं चाइनीज एंड इंग्लिश में, यूज कैसे करना है उसके। बाकी कुछ नहीं इस बॉक्स में। ये रही सेल्फी स्टिक विथ रबर ग्रिप। जो कि बेसिकली 120 सेंटीमीटर की है। तो ये सिंपल ऐसे कैमरा माउंट हो जाएगा इस पे। तो बेसिकली अगर इस सेल्फी स्टिक से आप जब रिकॉर्ड करोगे तो ये कैमरा जो है आपका सेल्फी स्टिक गायब कर देता है पोस्ट प्रोसेसिंग में, तो आपको सेल्फी स्टिक नहीं दिखेगी। एंड ये है बुलेट टाइम ग्रिप एंड ट्राईपॉड मिक्स। तो अगर आपको ट्राईपॉड की तरह यूज करना है तो यहाँ पे आप कैमरा माउंट कर सकते हो ऊपर। और ये बेसिकली आपका कैमरा विद अ ट्राईपॉड रेडी हो गया है। तो ये दो स्क्रू को प्रोटेक्ट करने के लिए दो रबर ग्रिप्स दे रखे हैं इन्होंने।
एंड बेसिकली सेल्फी स्टिक को साइड वाले टाइम में स्क्रू करके पूरा अच्छे से आप यहाँ पे कैमरा लगा के इसको बुलेट टाइम के लिए यूज कर सकते हो। इस तरीके से 360 रिकॉर्ड करने के लिए सो दैट वॉज ऑल द अनबॉक्सिंग गाइज। बॉक्स के साइड में आप देख सकते हो कौन कौन से फीचर हैं। सो सबसे एक्साइटिंग फीचर इसका क्या है कि आप जो 360 डिग्री का जो कैप्चर कर सकते हो वो 5.7K में कैप्चर कर सकते हो। देन इसमें GoPro की तरह ही इसकी स्टेबलाइजेशन जो है वो बहुत अच्छी है। तो इसका स्टेबलाइजेशन का नाम है फ्लो स्टेट स्टेबलाइजेशन जो बोलते हैं। ऑलमोस्ट कंपेरेबल है GoPro के साथ, तो विच इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड। देन अगर आप चाहो तो इस पर्टिकुलर कैमरे को एक नॉर्मल एक्शन कैमरा की तरह भी यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ 360 अगर नहीं रिकॉर्ड करना है तो आप सिंपल एक कैमरा यूज़ करके आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि आपको ये पर्टिकुलर फीचर जो है GoPro Max में भी मिल जाएगा। एंड गुड थिंग अबाउट इट इज़ कि ये वाटरप्रूफ है 10 मीटर तक, तो आप 10 मीटर तक अगर चाहो तो डुबकी लगा सकते हो पानी में कैमरा लेके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वॉइस कंट्रोल कर सकते हो इस कैमरा को और बहुत सारे फीचर हैं। सबसे एक्साइटिंग क्या है, मतलब व्हाट वाज माय डिसाइडिंग फैक्टर टू बाय दिस कैमरा कंपेयर टू GoPro Max वाज कि इसका एप्लीकेशन जो है, इसके एप्लीकेशन में जो फीचर्स हैं, जो रिकॉर्डिंग मोड के पर्टिकुलर फीचर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू GoPro Max। तो ये मेरा डिसाइडिंग फैक्टर था, क्योंकि मैं ये पर्टिकुलर कैमरा ले रहा था एक नया पर्सपेक्टिव अपने वीडियो में ऐड करने के लिए। तो मेरे को चाहिए था कि जितने ज़्यादा फीचर मेरे को मिल जाएंगे, मतलब जितने ज़्यादा वीडियो एडिटिंग मोड मेरे को मिल जाएंगे उतना अच्छा है। और इस पर्टिकुलर कैमरा का जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही डोप है, तो आप मज़ेदार फुटेज जो है वो इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से निकाल सकते हो। तो इसलिए मैंने Insta360 ONE X2 चूज़ किया कंपेयर टू GoPro Max। लेट्स क्विकली चेक द सैम्पल फुटेज जो मैंने इस कैमरे से शूट किया है। मुझे इतना ज़्यादा अभी आता नहीं है इस कैमरे का, तो ये जो देख रहे हो आप ये मेरा फर्स्ट डे या सेकेंड डे यूसेज होगा इस कैमरे का। सो टेक अ लुक एट द वीडियोज। Concluding note, whether you should buy this particular camera or not. Take my case, मेरे पास GoPro है जिससे मैं सारी vlogging record करता हूँ और cinematic मैं कैमरे से अपने record करता हूँ, और बचता है मेरे को एक नया angle और एक नया perspective चाहिए था। ये मेरा खुराफात था बस कि मुझे एक 360 पर कैमरा चाहिए to add a new perspective to my cinematic video, इसलिए मैंने खरीदा है। आप कब खरीद सकते हो इसको? अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आई डोंट थिंक आपको ये चाहिए होगा। अगर आपको एक 360 कैमरे से ही स्टार्ट करना है, तो अगर आप GoPro ओन नहीं करते हो, आप कोई एक्शन कैमरा ओन नहीं करते हो, तो आप सोच सकते हो इस पर्टिकुलर कैमरा को लेने के लिए। क्योंकि बेस्ट थिंग क्या है कि ये सिंगल कैमरे में भी कन्वर्ट हो सकता है, तो आप इसको यूज कर सकते हो एक नॉर्मल सिंगल स्टडी कैम की तरह, या फिर अगर आपको 360 रिकॉर्ड करना है तो उसकी तरह भी यूज़ कर सकते हो।
सो बस इतना था इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और जाते जाते सब्सक्राइब करते हुए जाना। बाय।